दोस्तों, हम अब बेट द्वारका से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं नागेश्वर धाम। नागेश्वर धाम यहाँ से करीब करीब 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है बेट द्वारका से, और बस वहाँ पहुँच निकल चुके हैं। पहुँचते हैं वहाँ पे, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, रास्ता कैसा है। इन 200 मीटर्स वहाँ पहुँचकर स्लाइड राइट दर्शन करेंगे नागेश्वर ज्योति के। ये देखिए दोस्तों, ये रास्ते हैं और मंदिर अगर दिखाई देगा वो आपको अब दिखाई दे रहा है। भोले बाबा की मूर्ति बनी हुई और मंदिर है वहां पर। चलिए चलते हैं वहां पर, अगर आपको मंदिर दिखाई दे गया है तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। तो दोस्तों, महादेव के दर्शन कर लीजिए और हर हर महादेव कमेंट में लिख दीजिए। पहुंच चुके हैं नागेश्वर धाम और करते हैं यहाँ पे हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बाबा भोलेनाथ के दर्शन। हर हर महादेव। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नागेश्वर धाम के द्वार, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर धाम का। ये उसका प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं नागेश्वर धाम में। मंदिर में लाइन में लगे हुए हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं बाबा की। दिखाता हूँ आपको, ये लाइन लगी हुई है, दिखाता हूँ अभी आपको। ये यहाँ से एंट्री होती है मंदिर में, देखते हैं अंदर अगर फोन ले जाना अलाउ होगा तो आपको दर्शन कराता हूँ। चलिए दोस्तों, अंदर जाते हैं। तो दोस्तों, ये मंदिर के बाहर हैं हम, तो दोस्तों मंदिर के बाहर हैं और ये मंदिर के बाहर भी एक मंदिर है जहाँ पर भोले बाबा अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। आपको मंदिर में दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर आप भी दर्शन कर लीजिए भोले बाबा जी के। दोस्तों, हम निकल चुके हैं अब नागेश्वर धाम से, क्योंकि अब हमारे नागेश्वर धाम के दर्शन हो चुके हैं और हमारी ये यात्रा अब यहाँ की, जो मैंने गुजरात की यात्रा स्टार्ट करी थी वो यहाँ पर समाप्त हो गई है। मतलब समाप्त नहीं हुई है और हो भी गई है, मीन्स मेरे को यहाँ पर गिर नेशनल पार्क जाना था, वहाँ पे जाकर आ चुका हूँ। उसके बाद मुझे सोमनाथ जाना था, बाबा के दर्शन करने थे, वो भी मैंने कर लिए हैं। मेरे को द्वारका आना था, द्वारकाधीश के दर्शन करने थे, वो भी मैं कर चुका हूँ। बेट द्वारका मैं जा चुका हूँ और अब नागेश्वर धाम की मैं आ चुका हूँ, तो नागेश्वर धाम के भी दर्शन हो रहे हैं। तो मेरी ये धार्मिक यात्रा अब यहाँ पर समाप्त होती है। लेकिन अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं वापिस अहमदाबाद के लिए, तो अहमदाबाद अब हम जा रहे हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है, करीब करीब 4:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, तो देखते हैं किस टाइम तक हम अहमदाबाद पहुँचेंगे। और यहाँ से पड़ता है करीब 450 किलोमीटर के आसपास। अब चलते हैं हम यहाँ से, तो मिलते हैं आपसे आगे रास्ते में। हर हर महादेव। जय द्वारकाधीश। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों हम चलते चलते नागेश्वर धाम से करीब करीब काफ़ी चल चुके हैं और अहमदाबाद हम पहुंचने वाले हैं। अभी पहुंचने वाले नहीं, मतलब नज़दीक आ चुके हैं अहमदाबाद के। अभी पीछे हमने राजकोट पार किया है, लंबा सफ़र था और अहमदाबाद करीब करीब 100 किलोमीटर यहां से रह जाता है अभी भी, तो 2 घंटे का टाइम अभी हमें लगेगा वहाँ अहमदाबाद पहुँचने में। अहमदाबाद पहुँचेंगे रात को 2 बजे के आसपास, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं। अहमदाबाद पहुंचकर हम करेंगे वहां पर आराम, कल मॉर्निंग में देखते हैं क्या करना है। अभी एक दिन और है मेरे पास यहां पे, अभी रुकते हैं कल। कल रुकना क्या है, कल पहले तो आराम करना है पूरी रात। 3-4 दिन के हम ठीक से नींद भी पूरी नहीं हो पाई है, ना मेरी ना संदीप की, और संदीप ने तो पूरी टोटल इसने ड्राइव किया है। चल चुके हैं 1,400 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं अभी तक, और
1200 किलोमीटर की ड्राइव संदीप ने ही करी है, ठीक है। अभी 100 किलोमीटर और चला है, 1300 किलोमीटर हम टोटल चल जाएंगे, और 1300 किलोमीटर संदीप चला रहा है तो थकान मैं समझ सकता हूँ, मेरे से ज़्यादा जो थकान है वो संदीप को ही है। तो कल हम पूरे दिन आराम करने वाले हैं अहमदाबाद में, शाम को देखते हैं, अगर कहीं गए तो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ जा रहे हैं हम, नहीं तो फिर आपसे मुलाकात होगी परसों मॉर्निंग में, ठीक है। तो दोस्तों रात हो रही है और आज है 12 तारीख, मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई दो तीन दिन, एक दिन कल रात को हम आ गए थे यहाँ पर अहमदाबाद जो है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था, थकान हो रही थी, सो रहे थे, फिर सुबह उठे तो मैं और संदीप निकल गए थोड़ा सा घूमे, वीडियो बनाने की इच्छा नहीं हुई क्योंकि ऐसी जगह मैं गया नहीं था कि मैं आपको कुछ दिखाऊं। तो अब आज मेरा यहाँ पर आखिरी दिन, आखिरी रात है मेरी यहाँ पर, और कल मैं निकल जाऊंगा दिल्ली के लिए कल, और इसलिए मैंने सोचा कि अब रात को तो थोड़ा सा बना लिया जाए, मार्केट में हूँ मैं, तो मैं यहाँ से कुछ गुजराती आइटम लेकर जा रहा हूँ, मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि गुजराती आइटम अच्छे होते हैं तो लेकर जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर गुजराती आइटम लेना आया हूँ, तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ ये गुजराती आइटम मिलता है और मैं यहाँ से ले रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है ये, ये देखिए यहाँ से ये ले रहा हूँ, ये आइटम मैंने लिए हैं दो चार आइटम, तो ये हमारे सेलेस भाई हैं जिनकी ये दुकान है, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, आप भी देख लीजिए, ये यहाँ पर ये गुजरात का ये आइटम मिलता है, ये देखिए ये सब कुछ ये गुजराती आइटम है। वैसे आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि दिल्ली में भी कुछ आइटम ऐसी मिल जाती है, बट कुछ जो गुजराती है मैंने यहाँ पे वो आइटम लिए है जो गुजराती आइटम्स है, ठीक है। ये देखिए ये सब यहाँ पर मिलता है, और नाम मेरे को थोड़े से पता नहीं है, संदीप ने मेरे को नाम बताया कि ये नाम है इनके, बट मेरे को आइडिया नहीं था क्या क्या नाम है, तो मैं ये देखिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ ये सेलेस भाई की दुकान से, और ये यहाँ पर ये गुजराती में लिखा हुआ है, भाई बताएंगे, अभी मैं पूछता हूँ भाई से ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है गुजराती लैंग्वेज में क्या लिख रहा है, ये नंबर लिखा हुआ भाई का, अगर कभी गुजरात आओ अहमदाबाद में तो यहाँ इनके पास जरूर आना और ये सामान लेकर जाना, और ये लिखा हुआ है संदीप मेरे को बता रहे क्या लिखा हुआ भाई, होलसेल का व्यापारी अच्छा बिल्कुल, मतलब संदीप मेरे को बता रहा है क्या बिल्कुल फ्रेश आइटम, वो घर पे बनाते हैं अच्छा उद्योग, उनका मालिक ये हैंडमेड होता है, घर का बना हुआ आइटम यहाँ पर ये मिलता है, ये देखिए ये सारी चीज आपको दिख रही है जो भी ये घर की बनी हुई है इनके पास में, खुद का ब्रांडिंग है, और ये इनका एक खुद का ही ब्रांडिंग है, और ये हमारे भाई हैं सेलेस भाई, तो सेलेस भाई आप ये कब से लगा रहे हैं, 6-7 साल, 6-7 साल से यहाँ पे अहमदाबाद में, इधर तो 6-7 साल से ये अहमदाबाद में लगा रहे हैं, तो भाई का नंबर आपको ये दिख रहा होगा, कभी भी आपको अगर मेरी वीडियो देख रहे हो और अहमदाबाद आते हो तो भाई से मिलना जरूर और लेकर जाना, भाई का जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है भाई का, क्या भाई का क्या जो ये गुजरात के लोग है ना बड़े, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, मेरे को 4 दिन हो गए यहाँ पे, तो 4 दिन में पता चल चुका है कैसे कैसे अच्छे यहाँ पर लोग मिलते हैं हर जगह, ये नहीं कि गुजरात में केवल अहमदाबाद में ही, मैं कल द्वारका में था, फिर सोमनाथ में था, गिर में था, तो सब जगह सभी के अच्छे व्यवहार मेरे को देखने के लिए मिले, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मार्केट देखिए यहाँ की गुजरात की, ये है कौन सा चौक, मनोहर विला चौकड़ी, ये मनोहर विला चौकड़ी, ये मनोहर विला चौकड़ी है, और इसको भवानी चौक भी बोलते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अहमदाबाद संदीप के घर से, और सुबह के 4:15 बज रहे हैं, और हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, आज मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठने जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है, और बड़ा ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बैठूंगा हवाई जहाज के अंदर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पर अहमदाबाद में, और ये मेरा टिकट है, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, देखते हैं अभी मैं मिलता हूँ, मेरे को अभी थोड़ी सी जानकारी नहीं है यहाँ के बारे में, जो भी होता है मैं देखता हूँ कैसे जाना होता है, चलिए चलते हैं। अपने स्पाइस क्लब मेंबर्स का स्पाइस जेट लाइनर G9 पर स्वागत करते हैं, अहमदाबाद से दिल्ली तक की दूरी 1 घंटे और 10 मिनट में पूरी की जाएगी। इस फ्लाइट पर आज हमारे साथ है कैप्टन नसीम अहमद और फर्स्ट ऑफिसर शानल मॉन्ट्रियल, आपकी कैबिन टीम में आज प्राजक्ता हिमांशी अपूर्वा शुभम है, और मेरा जिला पीसी में कैबिन की हूँ, हम आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए यहाँ मौजूद है, धन्यवाद। इट्स अ डिलाइट टू हैव यू ऑन बोर्ड स्पेशल फ्लाइट SG194 फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली। A special welcome to our Spice Club members traveling with us today. Our flight time will be 1 hour and 10 minutes. This flight
is under command of Captain Naveen Ahimsar and second in command is First Officer Shanil Montreal. Your cabin chief today is Prajita Himanshi, Apurva, Shimon, and I am Rajul, your senior cabin crew. We assure you that we are here for your safety and services. Thank you. Group for the position. दोस्तों मैं उतर चुका हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और ये एरोप्लेन है जिससे मैं उतरा हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा और बहुत मजा आया मेरे को एरोप्लेन के अंदर। इस एरोप्लेन से मैं उतरा और अब हम इस बस से टर्मिनल के लिए जाएंगे और चलते हैं हम यहाँ से। चलिए दोस्तों